अर्पण भट्टाचार्य, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सेशन ऑफ आईका इंटरनेशनल इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. वी विल फर्स्ट बिगिन विद योर बीती बातें गजल सिंगिंग. ये गजल आपने पहली बार कहाँ सुना और कब से आपने गाना शुरू किया, थोड़ा सा बताएं. मैंने ये जो बीती बातें जो गजल है, ये मेरा दोस्त, बहुत ही करीब दोस्त शायंतन बिजली, वो बहुत ही फेमस है, सबसे साथ वो काम कर रहे हैं. उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया. देखो कितना सुंदर गाना है. और मतलब खास करके शायद हम लोग एक राग, मतलब जो किरवानी, ये राग डिस्कस कर रहे थे. तो उसी दौरान उन्होंने बताया कि देखो ये तो एक माइनर स्केल है, वेस्टर्न अगर म्यूजिक देखा जाए. तो उन्होंने बोला ये गाना सुनो. तब मैंने सुना, अरे क्या फैंटास्टिक गाना है, कितना सुंदर गाना है, बहुत आनंद हुआ. और साथ साथ एक मतलब एडिशन मैं बोलना चाहता हूँ, उन्होंने और एक गाना सुनाया जो हरिहरन जी और नचिकेता चक्रवर्ती जो दोनों एक साथ एक डुएट परफॉर्मेंस किया, जहाँ पे बंगाली और ये गजल का एक कोलैबोरेशन आप बोल सकते हैं, ये सुना है. बहुत सुंदर. ओके, कौन सा गाना था वो? ये था देखे जा जाओ निर्वाण. थोड़ा सा गाइए. देखे जा जाओ निर्वाण की सुखे नील. कथा আমার খুব একটা ভালো মনে নেই. তো এনিওয়ে, তো যে বিতি বাতে দোহরানে কি আদত সি হো গই. इसके साथ एकदम ऑलमोस्ट मिलता जुलता रहता है. तो ये बहुत सुंदर लगा. ये है इसका जर्नी, मतलब ये गाने का जो मतलब बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं. तो ये दोस्त के साथ मैंने ये सुना. बढ़िया बढ़िया. ये राग किरवानी के बारे में थोड़ा सा बताइए. आपने राग किरवानी में दीक्षा ली है, सीखा है राग को? गुरु जी के साथ पास बैठ के अभी तक उसका तालीम नहीं मिला, लेकिन जब जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उन्होंने कोई गाना गाया और रिकॉर्डिंग वगैरह जो सुना, तो उसके साथ और दोस्त लोग जब हो जो है, सभी तो म्यूजिशियन लोग हैं, तो साथ साथ रह के ही वो उसका थोड़ा जिसको बोलता है वो आइडिया मिल गया कि राग का परिवेशन कैसा होता है, कि सारे गामा पा धा नी सा और सा नी धा पा मा गा रे सा एकदम सिंपल जाता है. सिर्फ कोमल गा और कोमल धा का इस्तेमाल होता है राग में, लेकिन जब वो दूसरा फॉर्म में बदल जाता है, कोई गजल गाते हैं, कोई बंगाली सॉन्ग गाते हैं, कुछ भी जो होता है, तो उसमें थोड़ा सा दूसरा नोट जैसे लगता है वो तो लगता ही है. तो ये कि सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये है किरवानी का बेसिक चलन है. बढ़िया. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप हारमोनियम, एक हारमोनियम एक्सपोनेंट है, आपकी हारमोनियम वादक में एक जादू है, बहुत बढ़िया आप बजाते हैं. तो गजल और हारमोनियम जब साथ में आता है, उसका एक अनोखा रूप निखर के आता है. तो इस चीज को आप किस तरह से बैलेंस करते हैं, कि हारमोनियम कैसे बजाना है एक गजल के साथ, उसके बारे में थोड़ी आप हमें थोड़ा बताइए. देखिए ये जो हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है, एकदम बचपन से मेरा ये शौक था. जब मैंने ये सुना, इसका जो आवाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो बचपन में जैसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके मैं बजाने का कोशिश करता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने के लिए रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी आया, तो वहाँ पे मेरा जो दोस्त लोग थे, बहुत ही अच्छा, उन सबकी कला है, उसका जो शिक्षा है बहुत ही अच्छा, उनसे भी मैं इंस्पिरेशन मिला, उनसे उन सबसे इंस्पिरेशन मिला कि और अच्छा बजाना है और अच्छा करना है. तो मैंने धीरे धीरे हारमोनियम बजाने लगा और सुनने लगा जो बड़े बड़े हस्ती है. तो सुनने के साथ साथ सुनते सुनते, ये तो एक्चुअली मतलब गुरुमुखी विद्या है, जो सुन सुन के ही हो सकता है. तो बाद में जब गुरु जी देखा थोड़ा बजाने की इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि बड़े लोग के साथ बैठ के सीखने का कोशिश कर. तो वैसे ही थोड़ा करके होता जाता है. नहीं, बढ़िया. आपकी गजल के साथ ये जो हारमोनियम बजाते हैं, आई थिंक लाइव परफॉर्मेंस में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है. तो
रहे थे कि हारमोनियम और गजल का ये जो मिलन बंद है लाइव परफॉर्मेंस में ये काफी अच्छे से निखर के आता है. सो आर यू लुकिंग फॉर मोर सच अपॉर्चुनिटीज कि आप परफॉर्म करें लाइव? परफॉर्मेंस करने का तो इच्छा तो बिल्कुल, ये तो होता ही रहता है क्योंकि दिस इज परफॉर्मिंग और ये फ्रीलांस है. तो फ्रीलांस में क्या है, क्या होगा, वो तो प्री डिटरमाइंड कुछ है नहीं. तो आपका जो कला है उसको आगे लेके जाना है और दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड सोच विचार. गुरु जी से जो जो मिल रहा है वो चीज को और मतलब अपनाना है. तो कोशिश करता हूँ गुरु जी से जितना हो सके. तो मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने मतलब मेरे गुरु जी जैसे श्री अनिल चरण जी मेरे गुरु जी हैं तो उन्होंने उनको मिला तो भगवान की आशीर्वाद है. और सिर्फ उनसे उनको नहीं ऐसा परिवार मिला तो ये मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ. तो उनका जो शिक्षा है उनका जो संस्कार है वो हम लोग सबके देते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ लेने का वही रियाज और प्रैक्टिस सोच विचार के साथ साथ जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ. और जो आपने मतलब क्वेश्चन किया कि ये तो हर किसी का मन में एक इच्छा रहता है कि परफॉर्म करे लाइव परफॉर्मेंस लाइव का एग्जैक्टली वो तो देखता जाएगा गुरु जी के आशीर्वाद से कितना होता है. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. ओके नाउ मेरा नेक्स्ट सवाल, आपकी नेशनल स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप इन हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल म्यूजिक. वी वांट टू नो व्हाट डज दिस मीन टू यू. ये आपके लिए आपके जीवन में कितना मायने रखता है एक नेशनल स्कॉलरशिप का, आपने किस तरह से प्रिपेयर किया उसके लिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर योर जर्नी एज अ प्रोफेशनल, थोड़ा सा इस बारे में बताइए. जी देखिए नेशनल स्कॉलरशिप मैंने तो सुना पहले नेशनल पहले है नेशनल स्कॉलरशिप कि मतलब देश के एक देश से मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहा है. तो और दे रहा है किसको, जो जो म्यूजिशियन लोग हैं. बिल्कुल तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स. एग्जैक्टली तो आई एम म्यूजिशियन तो मैं म्यूजिक लेके ही पढ़ाई किया जो जो चीज कोशिश कर रहा हूँ. तो ये म्यूजिक रिलेटेड एक स्कॉलरशिप है. तो ये तो डेफिनेटली एक मायने रखता है कि नेशनल स्कॉलरशिप अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है. तो यार प्रिपरेशन की बात अगर बोले तो ऐसा प्रिपरेशन मैंने कुछ लिया नहीं, जैसे जैसे गुरुजी बोला वैसे वैसे ही मतलब प्रैक्टिस थोड़ा बहुत तालीम चल रहा था उसी के बीच में. उसी के बीच में ऐसा कुछ नहीं अलग करके नेशनल स्कॉलरशिप के लिए जो प्रैक्टिस वो नहीं, तो वैसे ही चलते रहता है मतलब चल रहा था. तो वो मैंने करते करते गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी ऐसा तो फॉर्म निकला कि मैं क्या दू. गुरुजी ऑलवेज ऑलवेज इंस्पायर करते हैं सबको. कोई मतलब ये ऐसा एक आदमी है कि आदमी या भगवान मुझे पता नहीं तो मैं मानता हूँ हम लोग जो स्टूडेंट है सब मानते हैं. तो हर वक्त पॉजिटिव, कोई नेगेटिव का जगह ही नहीं है. मतलब सामने जाता हूँ अगर हम लोग के बीच में अगर नेगेटिविटी है वो सब निकल गई. मतलब स्कॉलरशिप से डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का जरूर और अच्छा परफॉर्म करने एज अ म्यूजिशियन. एब्सोल्युटली गुरुजी ने ये बोला कि वो जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है उससे म्यूजिक रिलेटेड सामान खरीदना है. बिल्कुल दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ म्यूजिक के लिए जो जो जरूरत है वही करो. तो ये तो बहुत ही गुरुजी का जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो यंग म्यूजिशियंस हैं जो नए गाने बना रहे हैं, वो न्यू सॉन्ग्स सिंगल्स रिलीज कर रहे हैं, इवन काफी डिजिटल का काम हो रहा है. इवन देन मैंने देखा कि आप एज अ हारमोनियम प्लेयर आप मतलब अकंपनी कर रहे हैं उन रिकॉर्डिंग्स में. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब आजकल के डिजिटल एरा में मतलब कॉस्ट काफी कम हो गया है बट फिर भी लोग चाह रहे हैं कि अकूस्टिक हारमोनियम के को लाएं अपने गाने में. आपका क्या, व्हाट इज योर ओपिनियन, हाउ डज एन अकूस्टिक हारमोनियम एड वैल्यू टू अ सॉन्ग प्रेजेंटेशन इन अ रिकॉर्डिंग स्पेस, व्हाट डू यू थिंक, इसका टेक्निकल क्या प्रभाव पड़ता है कि आपको आपका क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा शेयर करें. देखिए
एकॉस्टिक हारमोनियम, सिर्फ एकॉस्टिक हारमोनियम नहीं, एकॉस्टिक कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ले लिया जाए तो उसका जो साउंड है वो अभी तक जितना हाई एंड आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखें जो डिजिटल साउंड निकल के आते हैं जिससे, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो इसके लिए मेरा राय है, विचार है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडियो वर्क है, जो परफॉर्मेंस है, जो जो मैंने थोड़ा बहुत करने का कोशिश किया, जो जो मेरा तजुर्बा है, उससे मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई मतलब सब्स्टिट्यूट है नहीं, शायद होगा नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो साउंड है, तो एक एग्जांपल लेके मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग, हम जो म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन बोल सकते हैं, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, और जो जो दूसरा भी गाना गाते हैं, सबके पास तानपुरा भी ऐप में है, मोबाइल ऐप। तो जो जो डिजिटल तानपुरा हम लोग यहाँ पे मार्केट में अभी अवेलेबल है, उसमें सबसे बेहतर है एप्पल का आई तबला प्रो बोल के एप्लीकेशन है, या आई तानपुरा। तो वो आई तबला प्रो या आई तानपुरा बहुत ही करीब है। बहुत, अगर एक अच्छा खासा स्पीकर से वो बजाया जाए तो बहुत अच्छा साउंड निकल के आते हैं, इनफैक्ट प्रोग्राम में भी यूज होता है वो। लेकिन वो इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छा साउंड है, लेकिन गुरु जी के पास हम लोग जब क्लास में जाता हूँ और गुरु जी बोलते हैं कि एक तानपुरा निकल के ले आओ, वो जब गुरु जी ट्यून करके देते हैं तब जो बजाते हैं उसका जो साउंड है, उसका जो साउंड है कोई कंपैरिजन में ही नहीं आएगा। राइट, इतना सुंदर आवाज है, इतना रेजोनेंस है जो गुरु जी, वो तो एकॉस्टिक चीज से ही आता है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि हारमोनियम जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वही कीबोर्ड या कुछ से बजाया जा सकता है, एक ही सेम ब्लैक एंड व्हाइट की का कॉम्बिनेशन है, कीबोर्ड में भी सेम ही है, लेकिन जो टच है, जो फिनिशिंग है, जो ये जो ब्लो करने का जो जगह है, तो वो तो एक अलग है। कहाँ पे मैं जोर बजाऊं, वो तो कीबोर्ड में नहीं होता है, उसमें तो ब्लो करने का कोई जगह नहीं है, वो एक आर्टिफिशियली एक देते हैं, इफेक्ट देते हैं। मैंने ये भी सुना कि जो कम ज्यादा का इफेक्ट देते हैं, लेकिन वो होगा नहीं, मतलब मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सुना नहीं। बहुत अच्छा अच्छा चीज भी सुना, बहुत अच्छा अच्छा VST जिसको बोलते हैं वो सुना, लेकिन लेकिन वो जो कीबोर्ड में हारमोनियम टोन डाल के जो निकल के आता है वो भी बजा के मैंने देखा, उसका उतना खासा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। ओके ग्रेट, नाउ आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर फेम। सो एज अ यंग हारमोनियम एक्सपोनेंट यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉम्पनिंग द ग्रेट लेजेंड्स एंड वेरियस वोकलिस्ट्स। हाउ डज दिस फील टू यू? आई मीन सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल नो यू नाउ, यू आर क्वाइट फेमस, एंड ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो कौन से कंट्रीज आप विजिट किए हैं, थोड़ा बताइए फेम के बारे में, थोड़ा बताइए कि हाउ डू यू हैंडल इट एंड हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रैवल्ड सो फार। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत मुश्किल है। फेम, वही मैं बोल रहा हूँ, फिर जब कुछ बोलता हूँ गुरु जी का शब्द मतलब सामने आता है, उनका संस्कार आता है, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि काम करते जाओ, आपसे अब बाकी सब चीज आ जाएगी। तो বাংলায় কথা আছে, কান টানলে মাথা আসে। তো আমি যদি আমার কাজটা, মানে বেঙ্গলি সরি, তো মেরা কাম আচ্ছে সে করো তো শায়দ বাকি চিজ হোগা। তো বাট উসকো হ্যান্ডেল করনে কা প্রেশার রহতা হ্যায় কভি কভি। দেখি ক্লাসিক্যাল মিউজিক মে, হ্যাঁ অভি অভি মানে দেখ রহা হুম কি লোগো কে ভিতর মতলব ক্যা বলতে হ্যায়
लोग चाहते हैं कि क्लासिकल प्रोग्राम में जाए और ज़्यादा कॉन्सर्ट भी अभी हो रहा है। सबसे खुशखबरी है यही है कि मैंने देखा कि टिकट सेल करके भी मतलब टिकट आदमी मतलब लोग खरीद रहा है, राइट। तो मैं हैरान होके जा रहा हूँ कि होते जा रहा हूँ कि ये अच्छा मतलब दिशा भी जा रहा है। यस डेफिनेटली, तो मोर एंड मोर पीपल आर वांटिंग टू अटेंड क्लासिकल कॉन्सर्ट्स, दे वांट टू लिसन टू यू एंड वॉच यू परफॉर्म लाइव, तो इसलिए व्हिच इज गुड, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ फेम। लेकिन फेम के वो मैं कुछ पर्सनली यू आर नॉट कंसर्न्ड, मैं कभी नहीं वो मतलब वो क्या होगा वो देखा जाएगा, वो मुझे कोई ये नहीं है। मेरा काम है जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जो तुम्हारा काम है उसको 100% दो, उसमें अगर कोई कमी है तो वो ठीक नहीं है, right। तो और जो आप पूछ रहे थे कितना मैंने यूरोपियन कंट्रीज ही तक विजिट किया, कौन सा तो पहले दफे जब किया 2018 में तो मैंने जर्मनी और नीदरलैंड्स की विजिट किया, right। लेकिन 2022 में जब गया तब सफर लंबा था, जो शुरू हुआ जर्मनी से, तो एग्जैक्टली कहाँ पे आ गया अभी तो याद नहीं है, लेकिन मैं एक राफली बोल रहा हूँ, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक मतलब प्राग, तो जर्मनी का बहुत शहर मैंने पहले ही घूमा, तो उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब कंट्री मैंने थोड़ा बहुत घूमने का मौका मिला। हाँ, तो ये हमारा ये आखिरी सवाल है। मैंने आपके फेसबुक प्रोफाइल में देखा आपका लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण कोड उनका, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। एंड हमारा ये जो आइका प्लेटफॉर्म है, वी आर ऑल्सो अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव वेरी सेट गोल्स, वी आर वर्किंग विद प्रोफेशनल म्यूजिशियन सो दैट वी कैन असिस्ट देम इन देयर अचीविंग देयर गोल्स। सो आई वॉन्ट टू नो कि वॉट इज योर गोल एंड वॉट यू मीन वेन यू कोट दैट फ्रॉम विवेकानंदाज मैसेज। सो आप कोई गोल परस्यू कर रहे हैं अभी कि कैसा है, वॉट आर योर प्रोफेशनल गोल्स राइट नाउ? ये जो सवाल है तो आपको मैंने पहले ही बोला कि दिस इज फ्रीलांसिंग, कुछ पहले से फिक्स हुआ चीज है नहीं। हाँ। तो गोल वही है जो मतलब एक कोट हम लोग सुना कि है, एक चीज हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सपना वही देखना है जो नींद आते नहीं तो वही है गोल। मतलब जितना मेरा जो मेरा इच्छा है ये तो म्यूजिक रिलेटेड इच्छा जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्योंकि यही मान के मैंने आया मैंने ये कर रहा हूँ कि म्यूजिक ही करूँगा। मुश्किल तो है, जरूर मुश्किल है, सब तो फेवर में नहीं जाते हैं, लेकिन वो छोड़ के उसको छोड़ के आगे जाना है, वही गोल है कि इसको मेरा म्यूजिक जो है जो मैं थोड़ा बहुत करने का कोशिश करता हूँ कि इसको और बेहतर क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसके लिए एक ही चीज रियाज और उसके साथ साथ सोच और विचार और म्यूजिक सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि रियाज तो बहुत जरूरी है लेकिन क्या करूं जो बुजुर्ग लोग ने करके गया उसको सुनना उसको देखना और जितना हो सके उससे लेने का कोशिश बिल्कुल ये होना चाहिए। दिस इज माय गोल, ग्रेट ग्रेट। So and also lastly I would want to know, so aap sikha bhi rahe hain, you are a teacher now, how many students do you have right now? Mera dekhiye kya hota hai, jaise main perform karta hu isliye bahut student samajhna abhi mushkil hai, kyunki
ये तो एक कमिटमेंट भी है तो अगर मैंने कमिट कर दिया तो जो उन्होंने आ रहा है लेकिन क्या होता है फ्रीलांसिंग में तो कुछ फिक्स नहीं है तो कब प्रोग्राम आ जाता है कब रिकॉर्डिंग आ जाता है तो इसलिए जो जो स्टूडेंट मेरा जो शेड्यूल है मेरा जो एक्चुअली मेरा जो काम है शेड्यूल तो कुछ नहीं है जो काम है वो समझ के मेरे पास आते हैं सिखाने का क्या बोलूं वो बोलने का लायक भी नहीं हूँ जो कुछ सबसे मिला गुरु सबसे गुरु से मिला वो शेयर करने का कोशिश करता हूँ हमेशा तो ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं आप जी ऑनलाइन सिखा रहा हूँ इसलिए और ज्यादा मैं सिखाता नहीं हूँ लिमिटेड हाँ सीट्स आर लिमिटेड वैसा भी नहीं है कि लेकिन जो करना है कि नहीं, नहीं। जो पूरी शिद्दत के साथ आप सिखाते हैं एग्जैक्टली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है तो 5-10 स्टूडेंट्स हैं अभी नहीं मतलब 50-20 स्टूडेंट्स ओके दैट्स गुड बट आई एम हैप्पी फॉर दोस स्टूडेंट्स हु गॉट यू एज योर टीचर ओके थैंक यू सो मच अर्पण भट्टाचार्य जी नमस्कार एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू हैव अ गुड डे